मर्डर एक अद्भुत कला, लेकिन हर एक कला में खामियां तो होती ही हैं। परफेक्ट मर्डर ऐसा कुछ होता ही नहीं, बस कातिल का वहम है। मंझा हुआ कातिल भी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। मॉडलिंग की दुनिया का एक जगमगाता सितारा अपने आलीशान मकान में कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में उनका कत्ल किया गया। कोई ना कोई गलती तो कातिल ने की ही होगी। क्या जुनून होगा कत्ल के पीछे, क्या मकसद था उसका? इन सवालों के जवाब ही मुझे कातिल के दरवाजे तक ले जाएंगे। बहुत उलझा हुआ केस है सर, कातिल ने पीछे से गला घोटा है उसका। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तुम्हें कातिल को पकड़ना है। जितनी इंक्वायरी करनी है कर लो साहब, आप सिर्फ अपना टाइम खोटी कर रहे हो। इस कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस एक बार हाँ कर दो, रातों रात तुम्हें सुपरस्टार बना दूंगा, करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाओगी तुम। वो आखिरी बार किससे मिली थी? अपने बॉयफ्रेंड सतीश से। चारों ओर सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। क्या वही कातिल हो सकता है सर? थोड़ा और सोचो। यहाँ दो लोग थे, पहला कातिल और दूसरा पूरे कत्ल का चश्मदीद गवाह। केस वाकई बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं कि मौत के फरिश्ते भी उन्हें सलाम करते हैं। सिर्फ चंद सांसों का सफर था मेरा, शुरू होने से पहले ही किसी ने खत्म कर दिया। आखिर मुझे किसने मारा, कैसे मारा और क्यों मारा, वो जानने के लिए आपको पहले मुझे जानना होगा।